स्टार्ट करते हैं कौशिक। पिछले क्लास में हमने आपके साथ क्या बनाया था? कौशिक शुरू किया था और पिछले क्लास में हम आपकी सारी कंसेप्ट को डिस्कस किए थे। और सारी कंसेप्ट डिस्कस करने के बाद हमने कौशिक की फॉर्मेट को भी स्टडी किया था। और कौशिक की फॉर्मेट को स्टडी करने के बाद हम आपको आज हम उस कॉसेट पे जो न्यूमेरिकल्स है उसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पे आपके पास आ जाता है, जैसे ये कॉसेट है, चैप्टर 6 सीए इंटर मटेरियल कॉस्टिंग, और इस पे बेस आपकी जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को डिस्कस, सारी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, फॉर्मेट को भी डिस्कस किया था, एक बार और मैं डिस्कस करता हूँ फॉर्मेट को, और फिर फॉर्मेट डिस्कस करने के बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना बेटा? चलिए, ये आपका कॉसिट स्टेटमेंट्स है, कॉसिट स्टेटमेंट, प्रेजेंटेशन ऑफ कॉसिट इंफॉर्मेशंस, स्पेसिफिकेशन फॉर्मेट ऑफ कॉसिट फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, यहाँ पे पार्टिकुलर्स है, टोटल कॉस्ट है, कॉस्ट पर यूनिट है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आपका दिया हुआ है, तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकाला जाएगा उसकी इंफॉर्मेशन मैं ऑलरेडी बता दिया था। ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, ये डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया। फिर डायरेक्ट एम्प्लॉयज ये आ गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेज आ गया, तो जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेज इसको हम क्या कहते हैं, प्राइम कॉस्ट कहा जाता है, दिस इज अ प्राइम कॉस्ट। एड वर्क्स फैक्ट्री ओवर हेड, वर्क्स फैक्ट्री ओवर हेड हमने एड किया, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ गया, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस आ गया, ये मैंने ऑलरेडी आप लोग को लास्ट क्लासेस में हम फॉरवर्ड बताए हुए हैं। वर्क्स फैक्ट्री कॉस्ट ये आपके पास आ गया, वर्क्स फैक्ट्री कॉस्ट हो गया। एड क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट यहाँ पे आ गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट यहाँ पे आ गया, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन आ जाएगा, क्रेडिट लेस, क्रेडिट टू रिकवरी, स्क्रैप, बाई प्रोडक्ट, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर आ जाएगा, एड पैकिंग कॉस्ट प्राइमरी, ये जो है आपके पास आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने लिखा है यहाँ पे आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जनरल, मार्केटिंग ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ सेल आ गया। कॉस्ट ऑफ सेल में हम थोड़ा सा क्या करते हैं, सपोज कीजिए हम यहाँ पे सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा हमारे पास, सेल्स रेवेन्यू यहाँ पे होगा, और सेल्स रेवेन्यू दोनों के बीच के जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं क्या, प्रॉफिट। तो हमारे पास प्रॉफिट भी यहाँ पे आ जाएगा, प्रॉफिट भी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना बेटा? अब चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं, आपके क्वेश्चंस का क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, देखो आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 1, द फॉलोइंग डाटा रिलेट टू द मैन्युफैक्चर बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल, रॉ मटेरियल रुपीज 1,80,000 है, डायरेक्ट वेजेज आपको 90,000 है, मशीन आवर वर्क 10,000, मशीन आवर रेट 8%, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल 35,000, सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट रुपीज 5, यूनिट प्रोड्यूस्ड 4,000 है, यूनिट सोल्ड, सोल्ड यूनिट कितनी है, 36,000 है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 125, ये दोनों के बीच की जो डिफरेंस है 4,000 माइनस 36,000, 3600, यहाँ पे 400 है, ये जो है आपकी क्लोजिंग स्टॉक, ये जो है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, ये जो है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, तो ये हमें कैलकुलेट करनी, ये हमें फाइंड आउट करनी। दूसरी बात है यहाँ पे क्या करनी है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट इन रेस्पेक्ट ऑफ द अबव शोइंग कॉस्ट पर यूनिट, प्रॉफिट फॉर द मंथ, कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है और प्रॉफिट फॉर द मंथ निकालना है, ठीक है ना बेटा? अब ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, ये क्वेश्चन से स्टार्ट करने के लिए हमें आपको
चलो बेटा, चलो बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है यहां देखेंगे आप। हमारी जो प्रोडक्शन यूनिट है, यूनिट प्रोड्यूस्ड 4000 यूनिट है, हमने सेल किया 3600 यूनिट, तो हमें 4000 यूनिट पे कॉस्ट निकालना पड़ेगा। अब 4000 यूनिट हमने प्रोड्यूस किया और 3600 सेल किया, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना हो जाएगा? 400 यूनिट हो जाएगा। 400 यूनिट्स हमारे पास क्या हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। अब उसके बेसिस पे हमें क्या करनी है? कॉस्ट शीट बनानी है। तो हम लिखेंगे यहां पे कॉस्ट स्टेटमेंट। कॉस्ट शीट फॉर 4000 यूनिट्स, 4000 यूनिट्स के लिए हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप टोटल कॉस्ट लिखोगे, टोटल कॉस्ट लिखोगे, यहां पे कॉस्ट पर यूनिट लिखेंगे, यहां पे कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट लिखेंगे। अब यहां पे डायरेक्ट मटेरियल लिखेंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल आपके बुक में दिया हुआ है 1,80,000। अब यहां पे कॉस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा? 4000 यूनिट के लिए 1,80,000 डायरेक्ट मटेरियल है, तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 4000, ये आपका रुपीज 45 हो जाएगा। यहां पे रुपीज के टर्म में लिखेंगे, यहां पे भी रुपीज लिखेंगे, यहां पे रुपीज हटा देंगे, तो ये 45 हो जाएगा। अब आपका दूसरा एक्सपेंसेस क्या होगा? डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस आपको 90,000 है, तो 90,000 डिवाइडेड बाय 4000, तो ये हो जाएगा 22.50। अब उसके बाद द डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन डायरेक्ट एक्सपेंसेस का है ही नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का है ही नहीं, सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल है और डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का इसमें इंफॉर्मेशन ही नहीं। जब डायरेक्ट एक्सपेंसेस का जब इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसको हम नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे जीरो लिख देंगे, यहाँ पे जीरो लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्राइम कॉस्ट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्राइम कॉस्ट 2,70,000 और ये हो जाएगा 67.50। प्राइम कॉस्ट हो गया 2,70,000, ये हो गया 67,500। अब इसमें हम फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड, तो फैक्ट्री ओवरहेड क्या हो जाएगा हमारे पास? आप देखिएगा फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड की डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ, उसमें दिया क्या है फैक्ट्री ओवरहेड का? फैक्ट्री ओवरहेड का ये बताया गया है कि मशीन जो चला, मशीन कितने देर चला, मशीन चला आपको 10,000 आवर्स, मशीन चला 10,000 आवर, मशीन आवर रेट रुपीज 8 है, मशीन आवर रेट रुपीज कितनी है? 8 है, तो 10,000 आवर को रुपीज 8 के रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रुपीज 80,000 हो जाएगा। मशीन चला 10,000 एट द रेट ऑफ रुपीज 8, दैट इक्वल टू 80,000। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे,
आपको फैक्ट्री ओवरहेड लिखेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड 10,000 आवर्स चला, यहाँ पे 10 की रेट 80 के रेट से वो कितना है, 8 पर आवर्स है, ये 10,000 आवर्स चला तो ये 80,000 हो जाएगा। तो 80,000 डिवाइडेड बाई 4,000, ये ₹20 हो जाएगा। तो ये आपका ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट हो जाएगा, यहाँ पे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट हो जाएगा। वर्क कॉस्ट 3,50,000, ये हो जाएगा टोटल 3,50,000, और ये ऐड करेंगे तो ₹87.50 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस हम ऐड करते हैं जो इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। ऐड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 0 दिया हुआ है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 0 दिया हुआ है, यहां पे इसको क्या कर देंगे हम, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ग्रॉस फैक्ट्री और वर्क कॉस्ट था तो वो फैक्ट्री कॉस्ट हो जाएगा, यहां पे फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट हो जाएगा 3,50,000, 87,500 फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट हो जाएगा। अब आपको यहां पे क्वालिटी कंट्रोल, कंट्रोल कॉस्ट को हम क्या करते हैं, ऐड करेंगे। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट को रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट को ऐड करेंगे, प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऐड करेंगे। ये सारे चीजें यहां पे नहीं दिया हुआ है। अब प्राइम आपका लेस स्क्रैप माइनस करेंगे, ये भी नहीं दिया हुआ है। ऐड प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट को हम लिखेंगे। तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, यहां पे नहीं है तो ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी वही होगा, 3,50,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा। और यहां पे जो आया था हमारे पास 87.50, 87.50 हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 87.50। अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, उसके बाद प्लस करेंगे हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, प्लीज समझने की कोशिश करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अब 3,50,000 हमें लगा बनाने में 4,000 यूनिट को, क्लोजिंग कितना रहा 400 यूनिट। अब इसकी कॉस्ट कितना हो जाएगा, 3,50,000 डिवाइडेड बाई 4,000 इंटू 400 करेंगे तो 35,000 आ जाएगा, ये 35,000 हो जाएगा। अब ये जब 35,000 हो जाएगा तो कॉस्ट पर यूनिट में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कॉस्ट पर यूनिट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, कॉस्ट पर यूनिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको ये जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो जाएगा, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 3,15,000, 3,15,000 इज अ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड।
87.50, ये आपका 350,000 कितना आ गया, 87.50 आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हमने 36,000 यूनिट सेल किया है और उस 36,000 यूनिट सेल करने का इतनी कॉस्ट आ गई। अब आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल आ जाएगा। तो इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपका सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट दिया हुआ है ₹5 दिया हुआ है। तो ₹5 इंटू कितना यूनिट सेल किया गया, 3600 यूनिट सेल किया गया। तो 3600 इंटू 5 ये हो जाएगा 18,000 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो जाएगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल लिखा हुआ है 35,000। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल कितना लिखा हुआ है, 35,000। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल 35,000, और 35,000 को 4,000 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है, 35,000 को डिवाइड 4,000 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8.75। 35,000 को 3600, हमने सेल तो 3600 ही किया है, तो 35,000 को डिवाइड 3600 तो 9.72 हो जाएगा, ये 9.72 सेलिंग ओवरहेड। हमने आपको 3600 यूनिट सेल किया, कितने रेट की, क्या चीज की रेट से सेल किया, उसमें कॉस्ट लगा ₹5 के रेट से, इंटू 5 यहां पे 18,000 रुपया हो जाएगा। तो 18,000 ये 5 हो गया, ठीक है। अब ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल टोटल हो जाएगा 3,00,000, कॉस्ट ऑफ सेल सेलिंग ओवरहेड 3,68,000, और ये सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 102.22। अब हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट निकालनी है, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट। अब देखिएगा यहां पे पार्टिकुलर्स हो, पार्टिकुलर्स यहां पे टोटल कॉस्ट हो जाएगा, टोटल कॉस्ट यहां हो जाएगा सेल्स रिवेन्यू 3600 यूनिट को सेल किया, सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपके बुक में दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 125 है, 125 सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, 125। तो सेल्स रिवेन्यू कितना हो जाएगा, 125 इंटू 36,000 ₹4,50,000, 4,50,000 लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल हमारे पास की 3,68,000, 3,68,000। अब आपके पास यहां पे प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, -3,68,000 आपको करेंगे तो 82,000 आपकी प्रॉफिट हो जाएगी, 82,000 हमारी प्रॉफिट हो जाएगी। तो इस तरह हमने कॉस्ट स्टेटमेंट निकाला और आपको कॉस्ट शीट निकाल कर हमने तैयार किया, कॉस्ट शीट निकाल कर हमने कंप्लीट किया। ओके, ये क्वेश्चन है, कॉस्ट शीट निकाल कर हमने तैयार किया, ठीक है ना बेटा। तो इस तरह रिमेनिंग क्वेश्चन भी कर सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम दूसरी क्वेश्चन करेंगे। ओके।